चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधिया। अभी मैं बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क अमेरिका से, और सभी साथियों को साथ जुड़ के बहुत आनंद आ रहा है। तो आज शुभ शनिवार है, और इसमें मैं आपको छोटा सा बता दूं कि मैं एक छोटे परिवार से जो है महेंद्रगढ़ गांव में जन्म, और जो है दिल्ली में पढ़ा लिखा, दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया, और फिर उसमें एमसीडी में काम किया जी, और एमसीडी के बाद वहां पे क्या कहते हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, वहां पे तिहाड़ जेल में काम किया, एलएनजेपी में काम किया जी, और जी जीबी पंथ में किया काम, गुरु नानक आई सेंटर में किया, कुछ एक सर्जरियां की थी वहां पे, करोल बाग में है जोशी हॉस्पिटल वहां पे काम किया, फिर फरीदाबाद में मटर्निटी होम है वहां बनाया, 7-8 साल जो है तिहाड़ जेल में रहा था, वहां पे काम किया था, रहा नहीं था पर बहुत लोगों की सेवा की थी वहां पे, चार्ल्स सोबराज और जो है सभी तरह के आए थे, फिर दीनदयाल उपाध्याय में भी कई दिन काम किया, फिर थक हार के जो है मैंने कहा कि भाई जो है बाहर देखा जाए, और फिर बाहर आ गए और अमेरिका में आके पढ़ाई फिर द्वारे की, और कर करा के यहाँ पे डॉक्टर बन गए, और जब अब थोड़ा सा होश संभाला है पढ़ाई खत्म करने के बाद, तब वापस देखा देश की हालत खराब होती जा रही है, और अगर अब हम नहीं संभले तो फिर हम कभी संभलेंगे नहीं, ये हमारा मौका है, इसको हमें हाथ से खोना नहीं है, और ये हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है ये इससे बढ़िया चीज मैंने आज तक देखी नहीं है, छोटी सी जितनी जिंदगी है मेरी। पर अब मैं बहल साहब हैं यूके से, उनको बुलाऊंगा, वो अपना छोटा परिचय देते हैं, प्लीज बहल साहब। जय विन नमो बुद्धा टू एवरीबॉडी। जलवान साहब मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन रवि महे साहब हैं उनको जरा बुलाइए, उनको मैंने रात का बोला हुआ है कि भी आज वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में भी बोलेंगे, और जो साथी जुड़े हैं उनके बारे में भी बोलेंगे। पहल सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते, आज काफी नए लोग हैं सर। हाँ सर, मैं पंजाब से हूँ और पंजाब के एक गांव में पैदा हुआ था, और पंजाब से मैं इंजीनियरिंग करते करते लंदन आ गया, लंदन में आकर मैंने अपनी शिक्षा भी पूरी करी, और फिर जिस कंपनी में मैं काम करता था बोइंग में, वो अब अपनी सब्सिडी पैक कर यूके से चली गई अमेरिका, और मैं उनके साथ जा ना सका क्योंकि मैं अंडर 26 था और उनके वहाँ नेशनल सर्विस थी, अगर मैं जाता तो वो मुझे वियतनाम कॉल करते नेशनल सर्विस में और वियतनाम लड़ने के लिए भेज देते, तो उसी डर से मैंने कहा भाई मुझे वियतनाम के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं पीछे रुक गया, और पीछे रुक गया तो एविएशन की इंडस्ट्री जो थी वो बहुत बुरे हालत में थी, तो हम दो इंजीनियर थे, हमने सोचा भी कोई बिजनेस कर लेते हैं, तो हम बिजनेस में गए, और ऐसा बिजनेस में गए कि तब से मैंने आज तक 42 इयर्स हो गए, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, मुझे ये भी नहीं पता मेरी डिग्री भी किसी के पास है पड़ी हुई कि नहीं, तो लेकिन एक बात मैंने जो अपने जीवन में सीखी वो थी कि भाई मैं यहाँ कैसे पहुंचा, एक मिट्टी ढेले के घर में रहने वाला जिसके तन पे कभी कपड़े भी पूरे नसीब नहीं हुए थे, वो इंग्लैंड में कैसे पहुंच गया, इसकी जब मैं जांच पड़ताल चालू करी तो मुझे पता चला कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को इंडिया में नहीं पढ़ा, यूके में आके पढ़ा कि उन्होंने एक संविधान लिखा है, उस संविधान में जो बहुत से हमारे राइट हैं उनमें एक राइट ये भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बी द पीपल भारत के लोगों में शामिल कर दिया, उससे पहले तो हम पशुओं से भी बुरी हालत में थे, तो मेरा ध्यान जो था बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ, मैंने उनको पढ़ा, इसके बीच में ही
बाबा साहब अंबेडकर की सेंटनरी आ गई, तो जहाँ की जो कमेटियां थी उन्होंने मिलके ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि बाबा साहब की सेंटनरी कमेटी एक ट्रफैल्गर स्क्वायर है, यहाँ बहुत बड़ा एक स्क्वायर है जहाँ बहुत बड़ बहुत बड़ी फंक्शनें होती हैं, तो वो कहते थे कि भी हम भी वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सेंटनरी की सेलिब्रेशन वहाँ करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इससे पहले कि हम इतनी बड़ी फंक्शन करें, हमें चाहिए कि हम अपने लोगों की मानसिकता तैयार करें, लोगों को तैयार करें कि वो बाबा साहब को पहले समझ लें कि क्यों जरूरत है हमें बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति काम करने की। तो इसी के साथ हम उनको ये समझा पाए कि देखिए जब बाबा साहब विदेश में भारत की बात होती है बात होती है तो जब बाबा साहब भारत की बात होती है तो सिर्फ गांधी गांधी केवल लोग जो है विदेशी वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते, सिर्फ गांधी और नेहरू को जानते हैं। तो हम सोचते थे कि भी बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी है वो बहुत ज्यादा गांधी और नेहरू से कहीं ज्यादा है, तो उनको मान सम्मान दो, उनका जो पोजीशन उनको विदेश में मिले, इसके लिए हमने 5 साल काम किया। और 5 साल काम करने का ये फायदा हुआ हमें कि जो विदेशों में लोग बैठे थे जैसे अमेरिका में, कनाडा में, बाकी यूरोपियन कंट्री में, एयूई में, और इवन ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, हमने ढूंढ ढूंढ कर सभी को निकाला और सभी को कहा भाई 4-5 साल हम इसमें काम करेंगे, हमें साथ सहयोग करो। लोगों ने साथ सहयोग दिया और मुझे आज जहाँ बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 1988 में हमने पहली बार अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पैमाने पे बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर वहाँ भेजा, और फिर यूएनओ में हमने पहली बार 8 वॉल्यूम बाबा साहब के वहाँ दिए और बाबा साहब को कहा कि भाई इस वॉल्यूम को पढ़ो और बाबा साहब के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करो, हमें मैसेज दो, हम आपके मैसेज अपने सुवनियर्स में डालना चाहेंगे। तो मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 4-5 लोगों ने जो एक प्रोजेक्ट बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर की सेंटनरी बनाने का काम किया था, उसका असर ये हुआ कि 2016 में उसी यूएनओ ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अपने बलबूते पे पहली बार बनाई, और बाबा साहब पहले इंडियन हैं जिनकी जयंती यूएनओ में बनाई गई। तो उसी के बलबूते पे ही आज अगर कोलंबिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अमेरिका उनको सूरज का दर्जा देती है, मैं अगर गिनना लगूं तो ये बहुत सी चीजें जो हुई हमारे, तो उसमें मैं भी एक साथी था और मुझे भी इस चीज का थोड़ा आज गर्व हो रहा है कि भी जो हमने काम किया उसका नतीजा जो निकला बहुत अच्छा निकला। उसके बाद मेरी एक मुलाकात KR नाराणा जी से हुई जब वो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि भाई आप कितने लोग हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल जो था उनका छोड़कर मेरे से पूछा कि कितने लोग हो आप जो शेड्यूल कास्ट यहाँ हो और क्या करते हो। तो मैंने उनसे बताया जी कि ज़्यादा जो है हम मोस्टली अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए आए हुए हैं, अपनी गरीबी दूर करने के लिए आए हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो पढ़ लिख कर आगे बड़े हैं, कुछ लोग हैं जो बिजनेस में भी आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक हदायत करी थी कि भाई आपको सबसे ज्यादा जोर अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर देना है। बाबा साहब का सबसे ज्यादा थ्रस्ट जो था, इसीलिए वो अंग्रेजों से भी कहते थे कि मेरे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजो। मैं एक पढ़ के आया था, आज मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर एक ही हूँ। अगर मेरे बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो ये भी ऐसे ही शिक्षा पाकर
बहुत बड़े पैमाने पे समाज को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज हमारे के बीच में से जो बहुत बड़ी पैमाने पे हमारा हम कर नहीं पाए वो थी कि हम वहाँ से जैसे जहाँ काम करने के लिए आए थे लेकिन साथ में ही हम अपने अपनी जाति अपना खेतर जो कुछ भी हम वहाँ से कूड़ा करकट उठा के ला सकते थे वो हम सूटकेस में भर के यूके में भी ले आए और उसको आज भी हम भुगत रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत से संगठनों से काम किया। के आर नारायणा जी के कहने के मुताबिक मैंने भारत में जाना शुरू किया और भारत में मैंने जाकर बामशेफ में काम किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमने सेंटरी के समय में इंटरनेशनली काम करके बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ा एक उभार पैदा किया है, अगर बामशेफ के साथ भी हम जुड़ जाएंगे तो बामशेफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनके साथ भी मैंने जुड़ा। लेकिन उनके बीच में भी, मैं किसी को दोष नहीं देता, उनके बीच में भी बिखराव हो गया तो वो संगठन, और भी कई संगठन थे जिनके साथ मैंने काम किया। लेकिन मैंने जीवन में ये सीखा था कि भाई जो भी संगठन बनता है उस संगठन का अपना एक लक्ष्य होता है, उसका अपना एक एजेंडा होता है, उसका एक अपना गोल होता है। और जब मुझे 10 साल हो जाए 20 साल हो जाए उसी संस्था को चलाते हुए तो मुझे रुक के एक बार देखना चाहिए कि क्या मैंने जिस मकसद के लिए ये संगठन बनाया, क्या मैंने जिस मकसद के लिए इसको अपना योगदान दिया समय दिया, क्या वो पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ। अगर नहीं पूरा हुआ तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमने करी ताकि हम उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकें। लेकिन मुझे कुछ कुछ दिखाई नहीं दिया, ना बामशेफ में जो दिखाई दिया कि कोई सुधार करने वाला है या एक दूसरों को इकट्ठा करके साथ चलने वाला है, और ना ही दूसरे संगठनों में। इसलिए मेरे सामने ये सुधीर जी राज ने एक बार ये प्रश्न किया था कि भाई हम 2 अप्रैल को देखो जब इकट्ठे हो गए तो 2 अप्रैल की जयंती मनाने के लिए मैं भी दिल्ली में था, सुधीर जी भी दिल्ली में थे, हम उन बच्चों को जिन बच्चों की जान चली गई थी उनको श्रद्धांजलि और उनको मोमेंटो देने के लिए वहां हुए थे, उनके परिवारों को कि भाई आपके बच्चों का बलिदान हम भूले नहीं है, हम अपने आपके बच्चों को। तो वहां जे बैठ के ये चला था कि भाई अगर हम ये जो सारे संगठन आज फेल सा होते जा रहे हैं तो इनको अगर हम रोक दे, ये अगर हमारे मकसद को हमारे गोल को हमारे आने वाले बच्चों को हमारे संविधान को कुछ भी देने के काबिल नहीं है तो हमें एक और कॉन्सेप्ट करना चाहिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो आज आप देख रहे हैं सुधीर जी ने इसको रिफाइन किया और रिफाइन ही किया बहुत बड़े पैमाने पे आज उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई मैं इतने 42 ईयर से मैं बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने प्रिसाइज गिन नाप तोल करने के बाद इस संघ में जो हमारा ही संघ है जिसमें हम आई से बी बन रहे हैं, बी द पीपल बन रहे हैं, और उस संविधान की हमें चिंता है जिस संविधान ने हमें जानवरों से इंसान बनाया। अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे संगठनों में भटके संविधान की चिंता ना करी तो एक दिन वो भी आ जाएगा जहां से बाबा साहब हमें निकाल के लाए थे, शायद हम उसी अव्यवस्था में फिर धकेल दिए जाएं। ऐसा ना हो इसीलिए मैं इस संघ के साथ जुड़ा हुआ हूं, इस संघ का हिस्सा हूं और इस संघ को प्रमोट कर रहा हूं कि आओ मिलकर सभी इस चीज पे जरा ध्यान दें कि हम जे हमारी जो गिरती जा रही है, हमारी बेरोजगारी है, हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों के सामने जो भविष्य है उनका बड़ा खतरे में है, इसको रोकने के लिए अगर समन संघ इकट्ठा होके इसको करता है तो मेरा पूरा सहयोग समन संघ को है। यही मेरा परिचय है, यही मेरी बात है और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं जितने लोग जितनी जल्दी जल्दी इसमें जुड़ रहे हैं
उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गदगद हो जाता हूँ जब डेली 250-300 लोग जुड़ जाएं। हाँ, ये मेरी उम्मीद है, ये मैं एक आस लगा के बैठा हूँ, इसको रिव्यू करता रहता हूँ कि ये 250-300 लोग जो डेली जुड़ते हैं, ये 3,000 कब होंगे, 3,00,000 कब होंगे, और कब हम अपनी गिरती हुई जो समस्या है, हमारी गिरती हुई जो हालात है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, उसको सुधार पाएंगे। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी इसमें साथ सहयोग करेंगे, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद कहता हूँ, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान। रवि साहब, रवि साहब आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप प्लीज आए। हाँ जी, विद द पीपल, मैं सभी लोग को रवि अंबेडकर जी का जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे डॉक्टर अजय जी ने बताया, इतना तो मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा अपने बारे में कुछ बता दूं तो कोई बात नहीं। कि जैसे बैल साहब जी ने बताया कि हम लोग एक गांव में रहते थे, एक छोटा सा मेरा गांव है पंजाब में, और डिस्ट्रिक्ट जलंधर में आता है, अब डिस्ट्रिक्ट नया शहर बन गया, और हमारे गांव के अप्रोक्सीमेटली 90 घर हैं। तो उसी गांव में मैं जन्मा हूँ, और 4 साल का था जब हमने, जैसे सभी लोग दिहाड़ी दप्पा करते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, काम करना स्टार्ट किया, और 4 साल की उम्र भी प्राइमरी स्कूल मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं विज्ञान का सेकंड ईयर का विद्यार्थी था जब बाहर आ गया। तो मेरे बड़े भाई जी ग्रीस में थे, उसने हमें ग्रीस में बुला लिया। तो हमारी इतनी हालत माड़ी थी कि हमारे पास इतने ज्यादा कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे, और इससे पहले 1981 में मैंने BSP को ज्वाइन किया, जब मानवरा कंशीराम जी साहब ने हमारा मिशन स्टार्ट किया। उसी के बाद में हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सुना और पढ़ा। 1981 से हम लोग आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उससे ज्ञान लेकर आगे बढ़े। मैं 1985 में ग्रीस में आ गया, और उसके बाद तो मेरे बड़े भाई ने हमें और शिप में, कार्गो शिप में काम दिलवा दिया। काम करते करते फिर हम USA में पहुंच गए। एक साल में मैं 86 में USA में आ गया। तो उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि 86 से हमारे यहाँ पर गुरु रविदास टेम्पल था, उसमें हमने एज ए कैशियर काम किया, और तब से ऑलमोस्ट 35 ईयर से मिशन के साथ जुड़ा हुआ। बैल साहब जी 1988 में आए थे और इसके साथ बातचीत हुई, और काफी बड़ा प्रोग्राम हमने 1991 में 100th century जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मनाया, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें अम्बेसडर और CG और सभी लोग आ पाए थे। हम टाइम के ऊपर जब भी कोई एट्रोसिटी होती है इंडिया में, तो हम लोग डेमोस्ट्रेट करते रहते हैं UNO के सामने, अम्बेसी के सामने, जब भी टाइम मिलता है कुछ भी होना करने का, तो हमें कोई मौका छोड़ते नहीं है। तो अब हम प्रोग्राम जो है, जैसे डॉक्टर अजय जी ने बताया कि हमारे जहाँ पर दो बड़ी संस्था हैं, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन एंड जो सर राजू कामले जी ने बनाया था और चलाया था, तो अब इंटरनेशनल अम्बेडकर सेंटर की तरफ से हम लोग एक 14 एकड़ की जगह ले रखी है जो वाशिंगटन DC के बाजू में है, और वहां पर काफी बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। 14 अप्रैल को जेकर वायरस का कोई इतना ज्यादा प्रकोप ना रहा, तो फिर हम लोग जरूर उसमें प्रोग्राम बड़ा सा मनाएंगे, और वहां पर काफी बड़ी मूर्ति लगाने वाले हैं। तो ऐसे चलते रहते हैं कि हम लोग पहले 20 साल न्यूयॉर्क में रहे, अब मैं 3 घंटे की दूरी के ऊपर कनेक्टिकट में रहता हूँ, और जहाँ पर रहते हुए भी हम लोग काम करते रहते हैं। हमने 2007 में इंटरनेशनल अम्बेडकर लहर न्यूज़पेपर चलाया, और जितने पैसे हमने रखे थे उसने लगाकर 50,000 का हमारा कोटा था वो खत्म कर दिया, थे फिर हमने बंद कर दिया। 3 साल चलाया, सभी इंटरनेशनल कंट्री में भेजते रहे, और काफी लोग जागृत हुए। तो हमने 1991 में ही हमने इंटरनेशनल भोजन ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, और अब तक चलता है, हम लोग उसी की तरफ से
काम करते जा रहे हैं। हमारे न्यूयॉर्क में काफी अम्बेडकर राइट हैं, पर थोड़ा जैसे भी बोलो कि अब आरएसएस की वजह से कुछ लोग एम्बेसी में जाना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों में थोड़ा तकरार बढ़ने लगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अम्बेडकर राइट तो जरूर है पर अभी बुद्धिस्ट नहीं है, बन जाएंगे पर अभी नहीं बन पाए। तो धीरे धीरे हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग बीदी पीपल में जुड़े और हमें आस है कि बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। डॉक्टर जे जी बहल जी और डॉक्टर हमारे काफी दीपंकर जी हैं, काफी लोग हैं जो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हमें आस है कि 14 अप्रैल तक हम लोग सैकड़ों की तादाद में हम लोग जुड़ पाएंगे जो NRI स्पेशली USA में जो बैठे हैं। तो मैं इतना बड़ा स्पीकर तो नहीं हूँ ना इतनी जानकारी बोलने के बारे में, तो हमने 30 साल मोटली गुरु रविदास टेम्पल में काम किया। अब जो है हम लोग टॉफल और आईलेट्स की क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं जो इंडिया में कहीं भी हमारे SCBC के बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है, जो हमारी क्रीम है, जिसका ड्रीम है कि वो बाहर आकर पढ़ें, पढ़ने के बाद जैसे हम काम करते हैं वैसा ही वो काम करें। क्यों हम लोग तो 10-20 साल और जिएंगे उसके बाद चले जाएंगे, और बच्चों को आना जहाँ पर बहुत जरूरी है कि जहाँ पर आकर वो भी हमारे रास्ते के ऊपर चलें, जैसे हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते के ऊपर उसके दिए हुए वचन के ऊपर चल रहे हैं। तो हमें आ सके वो भी जहाँ पर आकर वो ब्रॉड में आएंगे, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और USA में आएंगे, तो फिर वो भी हमारे जैसे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कि बीदी पीपल में हम लोग चाहते हैं कि लाखों की तादाद में हम लोग जुड़े, जुड़ेंगे तो जीतेंगे और लड़ेंगे, लड़ने के बाद ही हमें कुछ ना कुछ मिल पाएगा। और इसके ऊपर मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि जुड़ते जाएं और अपने साथियों को जोड़ें। हमारे साथ यूके से हमारे साथी हमेशा भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी हम बेनती करेंगे कि वो यूके से ज्यादा लोगों को स्पेशली NRI को भी जोड़ें, तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी प्लेटफार्म के ऊपर जाकर कोई ना कोई काम कर पाए। तो मैं इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहता, तो अब काफी टाइम ले लिया। आपका थैंक यू बहुत बहुत, तो थैंक यू जय भी नाम बताए। धर्मचंद महेश साहब को इनवाइट किया था और बीच में फिर रुक गया काम। अच्छा, धर्म साहब को आप प्लीज अपने, धर्मचंद महेश साहब आए यूके के बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं, और जहाँ वेलकम सर, अगर जुड़े हैं तो आए। धर्म सिंह जी, माई जी, जहाँ एक अपना मीडिया है कांशी TV जिसपे वो एक घंटे का अपना प्रोग्राम भी देते हैं, तो बहुत अच्छी जानकारी है उनके पास। मैं उनको इनवाइट करता हूँ, आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ प्लीज। हेलो, हाँ जी, कैसे, मेरी आवाज आ रही है? आ जाओ जी, क्यों शर्मंदे हो, इन्ना क्यों तड़पांदे हो, आ जाओ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आया था, हमको भगा दिया, धक्का दे दिया प्रवीण साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका घर सब, आपको देखकर बड़ी खुशी होती है और अभी जी आपको भी। आपने एक्चुअली मेरा डीप पीपल में आने का स्वभाव बना है के लिए जुम्मेवार है बहल साहब, उनकी वजह से ही मैं सभी लोगों को जान पाया हूं और दूसरे लोग मुझे जान पाए। हालांकि मैं तकरीबन 90 पहले मुझे ये बता दूं कि मैं भी पंजाब से हूं, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, और उसके बाद मैंने जिंदगी में पहली बार बाबा साहब का नाम सुना था 1968 में। मेरा भाई पहले था इंग्लैंड में, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आते वक्त बाबा साहब की एक फोटो लेकर आना। उस टाइम पे किसी दुकान पर किसी जगह पर बाबा साहब का नाम या फोटो नहीं मिलती थी, तो हमने पूछ करके, मेरे भाई ने पूछ करके पता लगाया कि उधर रोडंद्र पे एक जगह है, वहां से फोटो मिलने के चांसेस है। तो वो पहला वक्त था जब हमने बाबा साहब का नाम सुना। हमको अम्बेडकर भी कहना नहीं आता था उस टाइम,
तो हम 1960 में इंग्लैंड में आ गए। यहाँ आकर एक गुरुद्वारा में संस्था थी, उसमें थोड़ा बहुत हम बैठे उठने लगे, तो वहीं से पता चला कि वहां बाबा साहब के नाम पर एक संस्था चलती है सिंस 1957। उसका नाम था इंडियन बुद्ध सोसाइटी। तो 1969 में जो 70 में हमने उनके जो लोग थे बर्मिंगम में, उनको हम जान पहचान गए, तो उनसे बातें होती रही। लेकिन मैंने खुद बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया 1970 में। तो 1970 में पढ़ के तो बर्मिंगम जो एक धर्म परिवर्तन फंक्शन हुआ था 1973, शायद जून की बात है, 3 जून थी या 6 जून थी, तो वहीं हमने बुद्ध धर्म अख्तियार किया अपने भाई और अपने पूरी परिवार के साथ। मेरे माँ बाप भी थे, मेरी बीवी थी और बच्चे भी, सभी थे, पूरे परिवार ने किया। बहुत बड़ा फंक्शन था वो। तो उसके बाद फिर हमने बहुत सी संस्थाएं बनी, सभी संस्थाओं में मैंने काम किया। ज्यादा तौर पर मुझे जो मैं आजकल काम करता हूँ इकोनॉमिकल कंपनी में, मुझे वही मिला। तो मैं तकरीबन 15 साल इंडियन डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी का कैशियर के तौर पर मैंने वहां काम किया। तो तभी से हम मिशन में हैं। एक हमारी सोच रहती है हमेशा, कहीं भी कोई काम हो रहा हो बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जाने का, या कहीं भी काम हो रहा हो लोगों को जागरूक करने का, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनका हिस्सा बन के मैं अपने जो मुझे आता है, जो मैं सीख पाया हूँ, उसको आगे बढ़ाया जाए। बर्मिंगम से जी बहुत बड़ी मूवमेंट 1970 में शुरू हुई, उससे पहले वोलोट में थी। तो काम चल रहा है, जैसे कोई नया लोग आते हैं, वो उनका नया एक्सपीरियंस होता है, वो नया आइडिया लेकर आते हैं। यही एक मिशन का ये भी एक पहलू है कि जब कोई नया शख्स किसी संस्था में आता है तो उसके नए नए आइडिया होते हैं, उन आइडियो को उन्होंने डेवलप करना होता है, आगे लेकर जाना होता है। तो इसी वजह से बाबा साहब का जो काम है आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो मेरी कोई एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मैं वहां से थोड़ा पढ़ के आया था, थोड़ा यहाँ आकर ओ लेवल तक यहाँ पढ़े, थोड़ा बहुत काम भी किया, ऑफिस में किया, फैक्ट्रियों में भी किया। अब अभी मैं काम करता हूँ, एक इकोनॉमिकल कंपनी है, उसने मैं प्रोसेसर का काम करता हूँ, कंप्यूटर साइड की वो जॉब है, गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, वहां मैं काम करता हूँ। तो सबसे बड़ी एक बात बहल साहब कहकर मुझे कहनी थी, वो मुझे कि हम आज भी सोचते हैं अगर बाबा साहब ना होते क्या हम यहाँ आ पाते। ये बहुत बड़ी बात है, बहल साहब ने कही है, अगर बाबा साहब ना होते तो हमको शायद कपड़े पहने भी नहीं आते। हमको ये बात सोचकर चलना चाहिए कि जो अभी जब मैं देख रहा था तकरीबन 249 इस टाइम पे हमारे बात सुन रहे हैं। देखो, अगर एक आदमी को 10 आदमी भी जानते हो तो हमारी कितनी संख्या बन जाती इस टाइम पे, एक टाइम पे हम सुन रहे हैं। जो अगर 2500 लोगों के साथ 4-4, 5-5 लोग और होंगे तो हम इस एक टाइम पर कम से कम हम 10-15 हजार लोग बात सुनते हैं। ये एक सुधीर साहब का और बहल साहब का बहुत शलाघा जो कदम है, इन्होंने ये शुरू किया। अभी बेशक हम बात करते हैं लेकिन बातों से ही गजल बनती है, बातों से ही संगीत बनता है, बातों से ही बात आगे बढ़ती है। ये बहुत जरूरी हम बात करें। अभी मेरी कोई इतनी इंट्रोडक्शन नहीं है, मैं सिंपल सा आदमी हूँ, फैमिली मैन हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं लोगों में जाके, जो मेरा प्रोमो होता है टीवी पे भी, वो भी मैं 3-4 TV में काम करता हूँ, यहाँ सिर्फ TV है उन पे भी जाता हूँ कभी कभी। तो कंशी टीवी में मेरे 2 प्रोमो होते हैं, उसमें ये होता है कि हम लोगों को तर्क के साथ जोड़ते हैं, लॉजिकल जो बुद्धा का जो जीवन है, जो बुद्धा की फिलोसफी है, धर्म की फिलोसफी है, उसमें 70-80% लॉजिक है। लोगों को हमको ये पहचान करानी है वो क्या है, हमको आगे कैसे बढ़ना। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे सभी मिलके, तो
आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, कोशिश करनी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा काम है, अगर शराब पीता है, अगर शराबी ना चाहे शराब छोड़ने, उसको कुदरती कोई तक छुड़ा नहीं सकता। सो हम में एक आशा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए। जब तमन्ना होगी तो हम कामयाब होंगे, इसकी इस चीज की गारंटी है। लेकिन हमको उस राह पे आना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का, जितने भी 250, 2500 जो भी जितने लोग सुनते हैं, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करूँ। एक बार और कहूँ कि सुधीर साहब ने मुझे बहुत हल्लाशेरी दी वो ज्वाइन करने के लिए, बैल साहब ने बहुत हल्लाशेरी दी, रवि साहब भी मेरे बहुत प्यारे लोगों में से है, तो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी संस्था वी द पीपल में जोड़ा है। और मैं तहे दिल से सभी का शुक्रगुजार हूँ। और मैं किसी भी जगह पर किसी भी तरह का काम करने के लिए आपके साथ सहमत हूँ और साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्मेश सर आप माइक अनम्यूट कर लें। ठीक, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। अभी अभी मेरे विचार में एक विचार आया है, मेरे दिमाग में एक, मैंने सोचा कि आपसे साथ शेयर करता चलूं। वो ये है कि अभी आज जो मैंने अभी तक जो देखा है, हम सभी ने बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन एक बात हम मैं चाहता हूँ अगर ऐड हो जाए उसमें तो उससे फायदा हो सकता है। जो भी हम हर मीटिंग में बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, हमको इकट्ठा होना की बात कर लें, हमको धमकी तरफ जाने की बात कर लें, हमको बाबा साहब की किताबों पढ़ने के बारे में कर लें, या हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होकर हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं इस पे बात कर लें। इसमें एक बात, अगर हर इंसान, मैं चाहता हूं कि एक तरह की अपनी ड्यूटी मान ले कि जो भी बातें हमने इस ग्रुप में की है, इस मीटिंग में की है, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, वो अगर हम दो तीन लोगों में उस बात की चर्चा करें जो आपके नजदीक है। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमारे ग्रुप में आए या आ सकते हैं, हो सकता कुछ नहीं भी आना चाहते हो, लेकिन अगर उनके साथ हम अपनी बात शेयर करें, हर, मैं समझता हूँ हर इंसान के दोस्त होते हैं, सहेलियां होती हैं, कॉलीग होते हैं अपनी मनपसंद के जिनसे वो बात करते हैं, और अपने सोसाइटी के होते हैं। अगर हर आदमी ये मान ले कि मुझे कम से कम तीन या चार लोगों के साथ इस मीटिंग में हमारे बात करनी है, क्या हुआ मीटिंग में, कौन सी अच्छी बात थी, कौन सी बात पे आप अग्री नहीं करते या मैं अग्री नहीं करता, तो इससे हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। ये मेरे मन में थी, ये जो भी हम सोचते हैं हमको इसी तरह से सोचना चाहिए। और अभी जो तीन हम पंजाबी मीटिंग में आज है, तीनों ने जो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया, कैसे कैसे हम वी द पीपल तक पहुंचे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमको हमें अपने बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। लोगों जो आप जानते हैं उनको आप बताएं कि मैं इस पोजीशन पे हूं, ये बात मैंने मीटिंग में की और इसका ये रिस्पॉन्स आया। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, आप लोगों सभी लोगों की दुआ से, धमकी दुआ से, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी किसी सिटे पर पहुंचेंगे और हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो यही मेरी बात थी कि हमको अपनी बात के बारे में लोगों में चर्चा करनी चाहिए जरूर मीटिंग के बाद, तो इससे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे भी, लेकिन कम से कम आप जो बात है वो लोगों तक पहुंचेगी। इतने कहना चाहते हैं। सुधीर जी आपका बहुत धन्यवाद, सभी का आपका धन्यवाद। साधु साधु। स्मिता जयकर बहन जी अपना परिचय दीजिए प्लीज सभी को। मेरा जय भीम। आवाज आ रही? मैं प्रोफेसर स्मिता जयकर जलगांव खंडेश महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। थोड़ा छोटा काम मेरा मेरे शहर में है, लेकिन आज आदरणीय प्राध्यापक सरोजिनी लभाने मैम, इन्होंने इस
मंच पर मुझे जोड़ने का जो जो संधि मुझे दी, मौका मुझे दिया, मैं उनसे बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच से जुड़कर आगे आपके साथ काम करने का जो मौका मुझे मिला है, उससे आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, खुशी हो रही है। आज ये मेरी पहली मीटिंग है, सबसे परिचय हो गया है, बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पे इस मंच पे सुनी है, और वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये मंच से जुड़कर बहुत आगे जाना है। आप सभी लोगों के साथ काम करने का एक आनंद मुझे भी लेना है, और इससे आगे मैं ये इस मंच से, इस विचार मंच से जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद 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 बहन जी, जय भीम, नौ बुधाय, साधु साधु। अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए बहन जी। छोड़ दिया सर, छोड़ दिया है। मेरा नाम और फोन नंबर मैंने डाला है सर जी। ठीक है ठीक है, मेरे पास भी, और सर योगेंद्र सर ने भी ले लिया, धन्यवाद जी। और एक एक बात और बोलना चाहती हूँ फिर से, कि इस मंच से जुड़ने का जो मौका मुझे प्राध्यापक सरोजिनी लबाने मैम ने दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बैठी है सरोजिनी मैम, बैठी है। हाँ हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। कटके साहब, हाँ बोलिए सर। साहब आपने मुझे इस मंच से जोड़ दिया है, तो नागपुर में भी थोड़ा मुझे 2-4 मिनट दे दीजिए प्लीज। हाँ, नागपुर के लिए आपका नाम है, हर शहर से जो भी आएगा प्रतिनिधि उसको 5-5 मिनट दे दिए जाएंगे, और सीनियर साथी जो भी होंगे तो उनको 5-10 मिनट भी दे देंगे, कोई बात नहीं। हमें जो जीरो और है उसमें और ज्यादा मिलेगा, कोई बात नहीं उसमें। ठीक, थैंक यू सर। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़े है तलवले साहब। जुड़ रहा हूँ साहब। हाँ, नासिक के बहुत लोग हैं, सुधीर राज सिंह सर और हम आए थे वहाँ पर, करीब 10-15 लोग है, उनसे जोड़ी है आप। जी जी सर, मैं ढूंढ देता हूँ सर उनका, थोड़ा सर उनका सर अगर आपके पास कांटेक्ट वगैरह है तो मुझे शेयर कर देंगे प्लीज। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर, जो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। कटके साहब, ओके ओके। हाँ सर, कटके साहब। हाँ यस सर। सर नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम सर जी। सर मायसेल्फ इज प्रदीप कुमार। यस सर, एक छोटा सा सजेशन था मेरा। जितने हम जो समान लोग हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं वेदा पीपल से, अगर हमारी एक छोटी ही बुकलेट आ जाए, हैंडी बुक, और उसमें सर, हमारी डायरेक्टरी तैयार हो चुकी है, अभी 26 जनवरी तक प्रिंट आउट होगी। एक दूसरा पॉइंट और था सर, कि हम खुद भी लोग, जब भी हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत टाइम हो, तो हम अपने महापुरुषों के विचार अपनी गली में, मोहल्ले में, या छोटे बच्चों को, या जिस भी हिसाब में हम हो, वो ये छोटे अपने छोटे छोटे विचार उनको देते रहे, तो इससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। कुमारदीप सर, इसके बारे में बताना चाहूंगा, 17 तारीख से ऑनलाइन हमारा जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो उसमें एक दिन इसका भी रखा जाएगा। जी सर, जी सर। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एक दिन इसके लिए भी रखा जाएगा, अपने महापुरुषों के विचार और उनकी शिक्षाएं, उनकी जानकारी के बारे में। योगिंदर सर, अश्विनी जी, ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, नमो बुद्धाय। ओम प्रकाश सर, क्या बोल रहे हैं, बोलिए सर। आरजी कुलदीप साहब जुड़े हुए, उनको बुला लीजिए। आरजी कुलदीप, अच्छा बुला लीजिए, आप बुला लीजिए सर, बुला लीजिए। आदरणीय आरजी कुलदीप साहब, आइए सर। योगेंद्र सर, फिर हैंड रेज हैंड है जो, उनको लीजिए प्लीज। जी सर, जी सर, शिवमंगल जी का परिचय ले लीजिए, शिवमंगल जी का, बिलासपुर से। जी शिवमंगल जी, आइए सर। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शिवमंगल, भारतीय रेल में जो है मैं कार्यरत हूँ, बिलासपुर, दक्षिणपुर मध्य रेलवे बिलासपुर में। और मैं सर यहाँ ऑल इंडिया SCST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का अपने रेलवे में मंडल अध्यक्ष हूँ। उस प्लेटफॉर्म से मैं अपने समाज के जो है उसकी सेवा कर रहा हूँ, उनके ग्रीवांसेस सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं सामाजिक कार्य
इतने होते हैं अपने समाज के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बराबर साल में कम से कम 4-5 मीटिंग में अपने बिलासपुर में लेता रहता हूँ और सभी लोग जुड़ते रहते हैं। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जो है श्री बेचेलाल जी जो है रिटायर्ड लोको पायलट बिलासपुर के, उन्होंने लिंक के माध्यम से जोड़ा, मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अभी जैसे मैं सुधीर साहब को सुन रहा था तो बहुत सारी चीजें मैंने आज पहले दिन ही, जो शब्द भ्रामक शब्द जो है कंफ्यूज कर रहे थे, श्रमण शब्द, श्रमण को समण और बी द पीपुल का कॉन्सेप्ट, तो अभी हम साथ जुड़े रहेंगे, निकट भविष्य में पूरा समझने का अवसर मिलेगा। और जैसा कि प्लेटफॉर्म, जैसा कि बीच बीच में डिस्प्ले हो रहा है कि विदाउट किसी सहयोग के, तो मेरी एक आशंका है जब सहयोग नहीं लिया जाएगा तो उसके जो ये कॉन्सेप्ट चलता है, जो जूम मीटिंग चलती है, इसके खर्चे कहाँ से आएंगे? एक तो ये हो गया, दूसरे जो भी हम अपने जो है जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जो है रवि अंबेडकर साहब ने जो भी बताया कि अपने समाज के जो युवा बच्चे हैं उनको जो है जो एग्जाम बाहर बाहर जाने के, विदेश में जाने के इच्छुक है, उनके दो जो कोचिंग चलाते हैं, उनके विचार और उनकी उस संस्था को कार्य करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार है। और शायद जो है आने वाली युवा पीढ़ी उसका लाभ लेकर के लाभान्वित होंगे और अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे। और बी द पीपुल प्लेटफॉर्म के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, हम सब सीखते रहेंगे, अपने विचार जो हम कार्य कर रहे हैं समाज को जोड़ने का, और समय समय पर अपनी प्रगति और जो भी जैसा कि निर्देश दिया जा रहा है कि अपने शहर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में जोड़ने, तो मैं जिस तरह से आज मुझे पूरी तरह समझ में आया है, मैं इसी क्षण से इसमें जोड़ने का काम और लोकल लेवल पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का काम प्रारंभ करूंगा। मुझे बहुत ही इच्छा है कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर अगली मीटिंग में अवसर मिलेगा, मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए, अपना परिचय देने के लिए जो समय दिया गया, इसके लिए सभी का शुक्रगुजार हूँ, बी द पीपुल का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपना मोबाइल नंबर जो है जी चैट मैसेज में छोड़ दिया हूँ, जब भी कभी भी किसी प्रकार की, इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़े मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ऑफिशियल काम है, मैं हमेशा जो है ऑफिस के अलावा घर पे रहता हूँ। तो कभी भी किसी भी समय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो अपना नेटवर्क जो है सब जगह है, जैसी हम से अपेक्षा की जाएगी उस पर अपना सहयोग देने का, खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बेचलाल जी का, गिरजेश भारती जी का, कि आप लोग जो है इतने मनोयोग से काम करने लग रहे हैं सर, धन्यवाद सर। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, चूंकि छत्तीसगढ़ हमारा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ी आपसे थोड़ा सहयोग की हम कामना करते हैं कि इसमें अधिक से अधिक अपना नेटवर्क बढ़ाने में हमारा थोड़ा सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम छत्तीसगढ़ से जितना प्रतिनिधित्व है, हम बोल रहा हूँ इसी समय जी, से हम जो है जी, प्रयास चालू कर देंगे, जो भी नेटवर्किंग चालू हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो है अगली मीटिंग में लोग पहुंचेंगे और जुड़ेंगे जो है। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, मुझे अवसर मिलेगा बी द पीपल के साथ में काम करने का। थैंक यू, जय भीम, धन्यवाद सर। श्री मंगल जी, जी सर, हम जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि समर संघ कभी भी पब्लिक से पैसे नहीं लेता और ना ही लेगा। जी सर, इसके कुछ ना एक्टिव मेंबर हैं। जी सर, जी सर, हाँ हाँ, वही चाह रहा हूँ, 600 करीब भी हैं। जी सर, वही जानना चाह रहा हूँ। कोई पैसा जो खर्चे का होता है, जैसे कहीं मीटिंग होनी है, कोई बैनर लगना है, या जी सर, जी सर, 100-205 करते, तो वो जो लोग कराते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, उसका वो जिक्र नहीं करते कभी भी किसे। जी सर, जी सर, और ना इसका कोई अकाउंट होता है, ना इसका अकाउंट बनता है, और वो बहुत कम पैसे में, क्योंकि हम जमीन पे बैठते हैं, खाना अपना लेके आते हैं, तो हमारा खर्चा नाम मात्र का होता है। जैसे 200 रुपए का बैनर, अब इस 200 रुपए के बैनर को बना लेते हैं, क्योंकि बैनर जरूरी है। जी सर, जो लोग मीटिंग लगाते हैं वो अपनी जेब से 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके उसको ले आते हैं, उसका ना कोई अकाउंट है ना उसका हिसाब है। ऐसे ये जूम मीटिंग जो होती है, इसमें
जो लोग इसमें देना चाहते हैं वो अपने आप ही जूम मीटिंग में दे देते हैं, वो देंगे वही जो इसके एक्टिव मेंबर हैं, पब्लिक से नहीं लेते कभी भी। समझ गया सर, समझ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। अगला हैंड रेज है दिलीप कुमार जी का। दिलीप कुमार सर आए, दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार सर, हाँ हाँ जी, सर आपका माइक इको कर रहा है सर। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार सर, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय सर। मायसेल्फ डॉक्टर दिलीप जयकर फ्रॉम खंदेश जलगांव, जलगांव से काम करता हूँ, यहाँ आर्मी में ECHS में काम करता हूँ मेडिकल अफसर का, और साथ में मेरी वैद्यकीय सेवा भी देता हूँ आम पब्लिक के लिए। और मेरा विशेष ये है कि मैं शेड्यूल कास्ट ST OBC जो भी गरीब पिछड़े विद्यार्थी है उनको मार्गदर्शन करता हूँ और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का कुछ पैसा लेता नहीं, ज्यादा से ज्यादा एंड आई एम गिविंग दिस सर्विसेज 30 years टू दो स्टूडेंट्स हु आर इन नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स हु अचीव्ड गुड डिग्निटी पोजिशन इन देयर प्रोफेशन। मुझे ये लिंक में अभी जो प्रवृत्त किया वो लिंक मैडम सरोजिनी लबाने जो प्रोफेसर है जलगांव में उनके माध्यम से, वो भी मेरी पेशेंट ही है और उनसे मेरा 30 साल से परिचय है मेरा। मैडम ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपके तरफ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और वहां पर डायलॉग हुआ ऐसा बोला मेरे मुझे मैडम ने आपके। सर आपका नाम क्या? दिलीप कुमार, सरनेम दिलीप कुमार रामचंद्र जयकर, जयकर ओके सर। और स्मिता जयकर मेरी मिसेस है। हाँ सर, अभी उसने उसका भी परिचय दिया जी, 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 अभी लबाने मैडम की दोस्त है वो जी। बहुत बहुत साधुवाद सर आप सभी को, आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आर के बोझ सर आपका हैंड रेज है, आए सर। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ मैं आर के बोझ दिल्ली से। सर एक तो बात यह है कि हमारे जो दिल्ली में सर्कल बने हुए हैं 1+10 के, वो अभी तक 8 थे, आज 9वां एक सर्कल और तैयार हो गया है जो द्वारका से रणसिंह जी हैं उनके द्वारा, और उसमें सब मेडिकल फोर्सेस लोग हैं उसके अंदर सारे। जी जी बधाई हो आप सभी को। तो एक तो ये हमारे लिए उपलब्धि है, बहुत अच्छी उपलब्धि है विदा पीपल के लिए, और आज एक जो हम वहाँ पर बहादुरगढ़ में एक मीटिंग थी वहाँ भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था वहाँ के लोगों का, उनके बहादुरगढ़ के लोगों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी अपना यहाँ पर हैंड रेज कर दें ये साथी हमारे, क्या नाम है सर? हाँ जी बोलिए आप अपना माइक, माइक पूरे रायपुर। आप बोले जो है? हाँ जी बोलिए प्लीज रखिए अपने आप बोले बोले जो आंगली उठा रहे वो बोले। हेलो हाँ जी रखिए प्रीचर रखिए अपना। हाँ सर जी बोले। सर जी 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 बोले। मैं प्रोफेसर शांताराम रायपुरे, मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। हेलो हाँ जी बोलिए आप, आवाज आ रही है आपकी, आवाज मेरी बात सुन रहे हैं आप? बिल्कुल आ रही है सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी आ रही है आवाज। सर मैं प्रोफेसर शांताराम रायपुरे जालना महाराष्ट्र से हूँ, और जलगांव यूनिवर्सिटी में हमारे भाभी जी है श्रीमती लम्हाणी जी, उन्होंने मुझे ये लिंक डाली है और कल से ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ। सर मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरे माता पिता ने हेलो जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सुनने सर। मेरे माता पिता ने 1956 में बाबा साहब के साथ ही धर्मांतर किया था नागपुर में, तो महाराष्ट्र में सारी जो जनता है 1956 के पहले जो महार्थ है वो सारे के सारे जनता बाबा साहब ने बुद्धिस्ट कर दिए है, उसकी बदौलत मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं विज्ञान मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ जालना में, डॉक्टर बाबा साहब यूनिवर्सिटी में।
और मैं बोर्ड ऑफ स्टडी का चेयरमैन हूँ, एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ, और कल से जो ये लिंक मुझे हमारे भाभी जी ने डाली है, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ मुझे यहाँ की सारी बातें बहुत अच्छी लगी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, और मुझे आपके साथ में काम करने का जो सहयोग मिलेगा या आप मुझे चांस देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं ये और एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ जो किसी लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस बात पर अपन ने बोलना चाहिए। सर कैसा है मालूम है क्या, बाबा साहब ने जो धर्मांतरित किया है महाराष्ट्र जाति को, पर उसके बाद में महाराष्ट्र में ये 30-35-40 साल के बाद में अभी अभी कल परसों अभी हर कोई धर्मांतरित होता है। जो मातांग है वो बुद्धिस्ट बन रहा, जो होलर है वो बुद्धिस्ट बन रहा, जो अलग अलग जाति के लोग है जो बुद्धिस्ट बन रहे, जो सारे पिछले कम्युनिटी से है। तो मुझे लगता है कि अगर बुद्धिस्ट बन गए तो सबने एक ही बुद्धिस्ट समझना चाहिए। बाद में क्या होता है सर जी कि जो महार बुद्धिस्ट हो गया, फिर मातांग बुद्धिस्ट हो गया, फिर होलर बुद्धिस्ट हो गया, तो शादी करते वक्त बच्चों में ये नहीं आना चाहिए कि ये मातांग से बुद्धिस्ट हुआ तो अपनी बेटी वहां नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट होने के बाद सभी ने एक जैसा बर्ताव करना चाहिए और अंदर ही अंदर अपने आपस के जो मतभेद है उसको भूल जाना चाहिए। डॉक्टर रायपुरे सर। यस सर। जय भीम नौदा, मैं कटके बोल रहा हूँ अमरावती से, मैं रजिस्ट्रार हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। आपने आपको ताई ने जोड़ा है ना, लभाने ताई ने? यस यस सर। आपको कितने दिन हो गए सर? मुझे कल लिंक डाली सर। ओके ओके, अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़िए। और आपने जो कहा कि बहुत सारे अलग अलग ओबीसी से नोटिफाइड ट्राइब से वगैरह जो लोग बुद्धिज्म लेते हैं उनकी एक डायरेक्टरी बना रहे हम लोग। अच्छा। और उनके जो भी मुखिया लोग है, हेड लोग है, उनके साथ हम संपर्क में बने हुए हैं। जिनका अच्छा। भी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है उनको हम एक साथ जोड़ लेते हैं, और जो लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब होते हैं उनकी पहले शिक्षा की व्यवस्था करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, आपका बहुत बड़ा सुझाव अच्छा लगा, आप जुड़े रहिए सर जी, और अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए सर प्लीज। हाँ बिल्कुल सर। ओके नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम सर। है वो ऑलरेडी है, एजेंट है। हाँ जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जालना से प्रोफेसर शांताराम जी भी रायपुरे, दोनों मिसेस एंड मिस्टर जुड़े थे। फैजपुर से भी कुछ लोग प्रोफेसर लोग जुड़े थे, 15-20 लोग जुड़े थे आज मीटिंग में। बहन जी एक दो मिनट के लिए आप इसके जो विद्या पीर का हमारा कंसेप्ट है उसके बारे में बताएं सभी को। ये तो सब जो प्रोग्राम है ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं, ये जो विचार करने वाले लोग है, सम्राट अशोक के समय में जो दो शाखाएं थी, विचार शाखा और जाति शाखा, उसके हिसाब से ये चल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि विचार करने वाले लोग ही आगे जाने वाले हैं और प्रोग्रेस करने वाले हैं, जो समाज के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। जो विचार नहीं करते वो कुछ काम के नहीं है। ये सब जो प्रोग्राम में आप बात बताते हैं ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। थैंक यू बहन जी। हमारे बीच बहुत पुराने साथी जुड़े हुए हैं, हरिराम बुनकर जी। हरिराम बुनकर जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना परिचय दें, क्योंकि आज बहुत सारे नए साथ जुड़े हैं, अपना परिचय दें सर। हरिराम बुनकर जी। हाँ सर, मैं तो राजस्थान के सीकर जिले से हूँ सर, हरिराम बुनकर नाम है। जी जी। मैं पुराना हूँ साहब, बीच में हट गया था मैं। नहीं हटे कहाँ हो, सही है, कोई पता है सर, हमें आप चलते रहते हैं, आप पुराने साथी हैं, हमें पता है। बीच में 2-3 महीने नहीं है सर, वो दूसरा जगह चालू कर रखा है हमने भी अपने। कोई नहीं, हाँ हाँ, तो वो एक ही बात है सर, अब जुड़ते रहते हम। जी जी, काफी समय से जुड़ रहे हैं हम। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका स्वागत है सर, अच्छा लगा। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बबली हीरा जी को बुला लीजिए, बबली हीरा जी जुड़ी हुई है काफी दिन में। बबली हीरा बहन जी आए, बहन जी अपना परिचय भी दो और विद्या पीपल के बारे में 2 शब्द बताएं, 1 मिनट 2 मिनट के लिए बताएं बहन जी। आइए, ये पूछो उनकी तबीयत कैसी है, तबीयत खराब हो गई थी उनकी। अच्छा
बहन जी तबीयत कैसी है आपकी? भी अब थोड़ी पहले से बेटर है। अच्छा पहले से ठीक है, चलो ठीक है। बुखार वुखार बहुत चल रहे हैं इस समय? जी जी जी, थोड़ा कोल्ड कोल्ड हो गया था थोड़ा सा। हाँ बहन जी ये तो चल रहा है, ये तो बीमारी चल रही है अब। जी कोल्ड हो गया था थोड़ा सा, तो अभी एक आध मिनट बोल सकती हैं तो बहन जी बताइए थोड़ा विद द पीपल के बारे में सभी को, नए लोग हो जुड़े में। हाँ विद द पीपल का ये जब से स्टार्ट हुआ तकरीबन मैं जब से ही जुड़ी हुई हूँ, तो काफी अपने समन संघ के लोग इसमें काफी निष्क्रिय रूप से भाग ले रहे हैं सभी, और जगह जगह अपने जिलों में क्षेत्रों में राज्य के राज्य स्तर पर क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी काफी जगह पर काम हो रहा है, काफी काफी बातें सुनने को मिल रही हैं, और डॉक्टर्स की मीटिंग्स भी हुई है जो लखनऊ में, उसके बारे में भी पता चला है कि काफी अच्छे स्केल पर हुई है और काफी उसका परिणाम भी अच्छा होगा आगे, और आगे आगे सभी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ही अगर हम समन संघ में सभी मिलजुल कर काम करते रहते निश्चय ही हम अपने संविधान को बचा सकेंगे, यही मेरी उम्मीद है, और यही इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। आप इसमें जुड़ने और जोड़ने का ही काम करना है, इसी तरह अगर चलते रहे तो हम जरूर ही अपनी सफल यात्रा को हम इसको पूरा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू बहन जी, थैंक यू आपको। अरे बात तो सुनो बबली बहन जी। जी जी जी, ये कैसे आपको जुकाम खांसी हुए, आपके तो बाल काले से लग रहे हैं। मैं टोपी पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है सर, ठंड लग रही है बहुत। टोपी पहन रखी है सर, मैं तो सोच रहा हूँ पहनी हुई है सर, ठंड लगी है। मैं तो सोच रहा कोई जादूगर हो गया दिखे, तो हम भी पूछ लें कैसा कौन सा जुकाम आ गया, हम भी अपने काले कर लें। नहीं 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 सर, ठंड लगती थी तो सिर कवर कर रखा है इसीलिए थोड़ा। चलो ठीक है, टोपी पहन कर रहो मैं जी। योगेंद्र सर। जी सर जी। जाम्बुले सर को भी दो मिनट दीजिए। अभी दूंगा सर, बिल्कुल मैं उन्हीं को बुलाने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जी जाम्बुले सर। हेलो आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जी जी सर, बात कीजिए, कुछ अनुभव शेयर कीजिए। आप बहुत सारे हाँ, अपना अनुभव शेयर कीजिए, वी द पीपल के बारे में थोड़ा बताइए सर आपको। अब तो काफी समय हो गया, बहुत लोग आपने जोड़े हैं, बहुत सारी मीटिंग्स आप कर रहे हैं डेली, तो उसके बारे में बताएं सर। नहीं, नहीं आज भी दो मीटिंग हो गई नागपुर में। जी तो लोग काफी मतलब इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और काफी अच्छी कंसेप्ट उनको मतलब पसंद आती है, एक्सेप्ट करते हैं। तो और बुद्ध फुलेश्वर अम्बेडकर के विचार है इसमें, और हमारा ओरिजिनल धम्म है, हमारी जो समन संस्कृति है उसके बारे में भी उनको अच्छा लगता है। और दूसरी चीज है कि they have not to pay anything। बहुत सारे जगह पर चंदाई होता है कि ये पैसा, ये काम करना, ये प्रोग्राम करना है, तो ये बहुत सारी चीजें उनको अच्छी लगती है। और जुड़ रहे लोग, कुछ चेन्नई के लोग भी एक अभी ज्वाइन हुए थे, अभी बिहार का जो विनोद मुझे नासिक में मिला था वो भी लड़का ज्वाइन हुआ था। तो ऐसे हर दिन अलग अलग स्टेट के और हमारे महाराष्ट्र के भी काफी मित्र इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि काफी आगे हम बढ़ते जाएंगे, लोगों को जुड़ते जाएंगे, तो जी जी। बहुत अच्छा है इसमें, मतलब सबसे बड़ा हमारा धम्म है भगवान बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स है, तत्व है, और हमें संघ बड़ा करना है, और संघ में अगर सभी लोग आते हैं तो हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो स्ट्रेंथ है काफी बढ़ सकती है। अगर स्ट्रेंथ हो गई तो हो सकता है कुछ देर ज्यादा नहीं लगेगा, हमारा शैक्षणिक है, आर्थिक है, और राजकीय सभी क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो काफी अच्छी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी जी थैंक यू सर। चेन्नई से कौन जुड़े थे? हाँ चेन्नई से कौन जुड़े थे? राज राज राज। अच्छा उनका लिख लिया क्या आपने, नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ सर। सर मैं बोल सकता हूँ क्या? ठीक है। और विनोद जालियांवाद से सर। हाँ विनोद जो है ना बिहार से, वो भी इसपे वो भी ज्वाइन होकर चला गया। जहानाबाद से है विनोद जी, जहानाबाद। जहानाबाद से सर मैं बात कर सकता हूँ? हाँ सर कर लेना, अभी एक मिनट रुकिए सर। जी हाँ जी सर, कर लूँ क्या? हाँ सर बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए आप बोलिए। कटके साहब बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उनको बोल दीजिए। बीवी गायकवाड़ जी हैं। हाँ मैं सर बीवी गायकवाड़। गायकवाड़ साहब जय भीम, नौ पुणे से है ना? जय भीम नहीं, भुसावल महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा अच्छा।
माझे भाऊ मित्र आहेत विजय कांबळे, त्यांच्याकडून मला हा नंबर मिळाला. हिंदी में बात कीजिए प्लीज. हाँ, तुमसे नंबर मिल रहा तो मैं बात कर रहा हूँ. मैं रेलवे में ऑफिसर था, रिटायर्ड हुआ मैं. लेकिन ये जो वी द पीपल कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और उसमें बहुत ही इंटीग्रेशन दिख रहा है सभी मेंबर में और एकात्मता की भावना है. सभी इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग अपने जमा हो रहे हैं और बाबा साहब के प्रति या भगवान बुद्ध के प्रति आस्था दर्शा रहे हैं. मुझे आदरणीय सुधीर राज सिंह जी का बहुत ही बढ़िया स्पीच रहा और उनको मनोमन मैं धन्यवाद देता हूँ. और ये जो वी पीपल जो मार्च कर रहे हैं मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये अच्छी तरह से आगे काम हो जाए, यही मैं भगवान चरणी. और ये एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी लोग रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है क्योंकि जो प्रतिक्रांति वाले लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं वो गलत काम करने के लिए, विकृत काम करने के लिए. हमें अपना अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा इंटेलेक्ट, ये सारा कुछ संघ को अगर दे देते हैं तो हम बहुत कुछ जरूर जरूर दे दूंगा सर मैं जरूर. जब अभी देखो जांबुले सर इतना जोर से काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पीछे पीछे भागो, ज्यादा काम करूं. जरूर भी ये कर लेंगे सर. थैंक यू सर. सर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना सर. हाँ डाल दिया सर जी. थैंक यू सर. थैंक यू, बहुत धन्यवाद. ओके, ऑल द बेस्ट सर. जी सर. योगेंद्र सर जी. जी सर जी, बोलिए महिपाल सर. हाँ, मतलब बाबा साहब के कार्य पे और हमारे समर्थ संघ के कार्य पे दो लाइनें हैं, सभी सुनेंगे सर. लाइन तो बोल देना, लेकिन मुझे एक बात करनी है आपसे. हाँ हाँ, मुझे बात ये करनी है. अब जब आप मुजफ्फरनगर में हो, मुजफ्फरनगर पर मैं आप इस समय रह रहे हो, वहीं पर नौकरी कर रहे हो आप बैंक में, तो मुजफ्फरनगर के जितने भी साथी हैं आपके जानते हुए, जितने भी साथी आप जिससे जोड़ोगे आप, उनकी सबकी एक सूची बनाइए और सूची मुझे दो. आपके उसमें सब नंबर वो दे दूंगा. देखो मैं राजपाल सिंह को जोड़ा है मुजफ्फरनगर से. नहीं, आप लिखते रहो उसे, ठीक है, और वो फिर मुझे सूची देना. तो फिर एक मीटिंग लगाते हैं मुजफ्फरनगर की उसमें. हाँ, ठीक है सर, आपको लगवा बढ़िया करके एकदम, है ना, बहुत बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल. अब रखिए अपनी दो बात जो भी रखनी है. सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम. ये जमीन जब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने. वाह वाह. इन मकानों को खबर है ना मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने. हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने. ये बाबा साहब का कारवां था जो उन्होंने क्या काम किया कि ये दीवार बुलंद और बुलंद की और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने. आंधियां तोड़ लिया करती थी सम्मों की लम्हे, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने. आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पर नींद आएगी. सब जुड़ो, तुम भी जुड़ो और तुम भी जुड़ो, कोई खिड़की इसी समर संग में खुल जाएगी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और मैं कहता हूं सभी साथियों से, कोई हिम्मत ना हारे और जोड़ने के लिए संकल्प लें. कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. जी बिल्कुल 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 सर. सर आपकी आवाज के साथ साथ आपके इरादे बहुत बुलंद है. आपको बहुत बहुत साधुवाद. साधुवाद सर. साधुवाद. समर संघ एक ऐसा सहारा है, दिशा और दशा बदल जाएगी, बहुत नजदीक ही अब हमारा किनारा है. वाह वाह, बहुत बढ़िया. धर्मचंद महेश साहब, आप भी थोड़ा कुछ सुना दीजिए. बुलाइए सर, बुलाइए बहल साहब, बुलाओ धर्मचंद महेश. पंजाबी में लिखता हूँ सर. पंजाबी में सुना दो बहल साहब, आपके पिटारे से भी निकालो कुछ. चलो
सुनाइए, भाषाओं का कोई अंतर नहीं है, आप सुनाइए पंजाबी में सुनाइए। पंजाबी में एक मेरी कविता थी, उसका नाम था दुख। आप अगर आप गौर फरमाएं तो मैं एक तो दुख था, आ सजना कोई हाल टोलिए, आ सजना कोई हाल टोलिए, अकला बैठा ना तू रो, राल मिल महर मुनारे बनते कल्या दुख ना होने तो, हर पल सजना दुखड़े चलदा, हर पल दलता दुखड़े चलदा, सजना नहीं भरोसा कलदा, हर पल दलता दुखड़े चलदा, सजना नहीं भलोखा भरोसा कलदा, एक मुठ हो के सोच सके तू, केड़ा बीज देवा मैं बो, राल में महल मुनारे बन दे कल्या दुख ना होने तो, हर थां बेइंसाफी हुंदी तैनू जरा खुरक ना हुंदी, हर थां बेइंसाफी हुंदी तैनू खुरक जरा ना हुंदी, खुद गर्दी का पल्ला छड़ के एक बच सब एक जाइए हो, राल मैं महल मुनारे बन दे कल्या दुख ना होने तो। अगला मिसरा जी, तू समझे चढ़िया गुडिया, कुछ लोग हमारे ऑफिसर बन जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे समाज का क्या हाल, उस पे लिखा है, तू समझे कितनी चढ़िया गुडिया, वीर तेरे दिया सड़गियां चुगियां, तू समझे तेरिया चढ़िया गुडिया, वीर तेरे दिया सड़गियां चुगियां, लोकी हा दा नारा मारन तैनू खबर रही ना हो, राल मैं महल मुनारे बन दे कल्या दुख ना होने तो। आगू मिश्रा जी, हाथ बन सदा अर्ज गुजारे, हाथ बन सदा ही अर्ज गुजारे, धर्म हे आ भीम द्वारे, हाथ बन सदा ही अर्ज गुजारे, धर्म हे आ भीम द्वारे, भीम मिशन विच एकमक हो जा, भीम मिशन विच एकमक हो जा, सारे दुखड़े होने तो, राल मल महल मुनारे बन दे कल्या दुख ना होने तो, आ सजना कोई हल टोली इकला बैठा ना तू रो, राल मल महल मुनारे बन दे कल्या दुख ना होने तो। ये तीन छोटी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत साधुवाद, बहुत 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 बढ़िया गाया मैं, सब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद थोड़ा, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
शरण गच्छामि Sangam Sirnam Gacchami.